9 मई को जलाओ घेराव का केस, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी समेत दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुलजमान के जेल ट्रायल का हुक्म, आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। उम्मीदवारों के पास वोटर्स को राम करने का आखिरी दिन, इलेक्शन मुहिम खत्म होने में सिर्फ 13 घंटे बाकी, सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज, नून लीग आज लाहौर और कसूर में पावर शो करेगी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज यूहन्नाबाद में कारकुनों से खिताब करेंगे, शहबाज शरीफ खुड़िया खास में मतवालों का लहू गरमाएंगे। इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन, बिलावल भुट्टो लाड़काना गुजारेंगे, म्यूनिसिपल स्टेडियम में पंडाल सजा लिया, आसफा भुट्टो नवाब शाह में रैली निकालेंगी, फजल रहमान डी आई खान और सिराजुल हक दीर में खिताब करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, मोटरसाइकिल वालों के लिए आधी कीमत पर पेट्रोल, मजदूर की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपए, सिर्फ बातें नहीं वादे पूरे करेंगे, किसानों को खुशहाल करेंगे, मजीद कच्ची आबादी को मालिकान हकूक दिलवाएंगे, सदर IPP अब्दुल अलीम खान का लाहौर में जलसों से खिताब। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं, इंतखाबी अमल दुरुस्त सम्त में जा रहा है, नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खाजा विदान पटेल बोले, बगैर तशद्दुद के आजादाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं इस अमल में आजादी इजहार का एहतराम हो। मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर भरपूर फौजी ताकत से जवाब देंगे, आर्मी चीफ पुरअज़्म, सिपे सालार का LOC का दौरा, अगले मोर्चों पर जवानों से मिले, कहा पाकिस्तान हिंदू रियासत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी की कोशिशों को बेनकाब करता रहेगा, फौज खतरे के मुकम्मल स्पेक्ट्रम से बखूबी वाकिफ और मुअसर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद हसीन मनाजिर, सयाहों की आमद के बाद केरन, अपर नीलम, शारदा और बकेल की रौनकें बहाल, बर्फबारी से बंद केल, ताउबट, शहरा, तहाल बहाल ना हो सकी, बिजली मवासलात और इंटरनेट का निजाम भी मुतासर। 9 मई को जलाओ घेराव का केस, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी समेत दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुलजमान के जेल ट्रायल का हुक्म, आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। उम्मीदवारों के पास वोटर्स को राम करने का आखिरी दिन, इलेक्शन मुहिम खत्म होने में सिर्फ 13 घंटे बाकी, सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज, नून लीग आज लाहौर और कसूर में पावर शो करेगी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज यूहन्नाबाद में कारकुनों से खिताब करेंगे, शहबाज शरीफ खुड़िया खास में मतवालों का लहू गरमाएंगे। इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन, बिलावल भुट्टो लाड़काना गुजारेंगे, म्यूनिसिपल स्टेडियम में पंडाल सजा लिया, आसफा भुट्टो नवाब शाह में रैली निकालेंगी, फजल रहमान डी आई खान और सिराजुल हक दीर में खिताब करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, मोटरसाइकिल वालों के लिए आधी कीमत पर पेट्रोल, मजदूर की तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपए, सिर्फ बातें नहीं वादे पूरे करेंगे, किसानों को खुशहाल करेंगे, मजीद कच्ची आबादी को मालिकान हकूक दिलवाएंगे, सदर IPP अब्दुल अलीम खान का लाहौर में जलसों से खिताब। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं, इंतखाबी अमल दुरुस्त सम्त में जा रहा है, नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खाजा विदान पटेल बोले, बगैर तशद्दुद के आजादाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं इस अमल में आजादी इजहार का एहतराम हो। मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर भरपूर फौजी ताकत से जवाब देंगे, आर्मी चीफ पुरअज़्म, सिपे सालार का LOC का दौरा, अगले मोर्चों पर जवानों से मिले, कहा पाकिस्तान हिंदू रियासत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी की कोशिशों को बेनकाब करता रहेगा, फौज खतरे के मुकम्मल स्पेक्ट्रम से बखूबी वाकिफ और मुअसर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद हसीन मनाजिर, सयाहों की आमद के बाद केरन, अपर नीलम, शारदा और बकेल की रौनकें बहाल, बर्फबारी से बंद केल, ताउबट, शहरा, तहाल बहाल ना हो सकी, बिजली मवासलात और इंटरनेट का निजाम भी मुतासर।
9 मई को जलाओ घेराव का केस, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी समेत दीगर मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुलजमान के जेल ट्रायल का हुक्म, आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। उम्मीदवारों के पास वोटर्स को राम करने का आखिरी दिन, इलेक्शन मुहिम खत्म होने में सिर्फ 13 घंटे बाकी। सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज, नून लीग आज लाहौर और कसूर में पावर शो करेगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज यूहन्नाबाद में कारकुनों से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ खुड़िया खास में मतवालों का लहू गर्माएंगे। इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन, बिलावल भुट्टो लाड़काना गुजारेंगे। म्यूनसिपल स्टेडियम में पंडाल सजा लिया। आसफा भुट्टो नवाब शाह में रैली निकालेंगी। फजल रहमान, डी आई खान और सिराज उल हक दीर में खिताब करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, मोटरसाइकिल वालों के लिए आधी कीमत पर पेट्रोल, मजदूर की तनख्वाह कम अज कम 50,000 रुपए। सिर्फ बातें नहीं, वादे पूरे करेंगे, किसानों को खुशहाल करेंगे, मजीद कच्ची आबादी को मालिकाना हकूक दिलवाएंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का लाहौर में जलसों से खिताब। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। इंतखाबी अमल दुरुस्त सम्त में जा रहा है। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा विदान पटेल बोले, बगैर तशद्दुद के आजादाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं इस अमल में आजादी इजहार का एहतराम हो। मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर भरपूर फौजी ताकत से जवाब देंगे। आर्मी चीफ पुरअज़्म सिपे सालार का LOC का दौरा, अगले मोर्चों पर जवानों से मिले। कहा, पाकिस्तान हिंदू रियासत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी की कोशिशों को बेनकाब करता रहेगा। फौज खतरे के मुकम्मल स्पेक्ट्रम से बखूबी वाकिफ और मुअस्सर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद हसीन मनाजिर, सयाहों की आमद के बाद केरन, अपर नीलम, शारदा और बकेल की रौनकें बहाल। बर्फबारी से बंद केल, ताओबट, शहरा, तहाल बहाल ना हो सकी। बिजली मवासलात और इंटरनेट का निजाम भी मुतासर। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, मोटरसाइकिल वालों के लिए आधी कीमत पर पेट्रोल, मजदूर की तनख्वाह कम अज कम 50,000 रुपए। सिर्फ बातें नहीं, वादे पूरे करेंगे, किसानों को खुशहाल करेंगे, मजीद कच्ची आबादी को मालिकाना हकूक दिलवाएंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का लाहौर में जलसों से खिताब। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। इंतखाबी अमल दुरुस्त सम्त में जा रहा है। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा विदान पटेल बोले, बगैर तशद्दुद के आजादाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं इस अमल में आजादी इजहार का एहतराम हो। मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर भरपूर फौजी ताकत से जवाब देंगे। आर्मी चीफ पुरअज़्म सिपे सालार का LOC का दौरा, अगले मोर्चों पर जवानों से मिले। कहा, पाकिस्तान हिंदू रियासत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी की कोशिशों को बेनकाब करता रहेगा। फौज खतरे के मुकम्मल स्पेक्ट्रम से बखूबी वाकिफ और मुअस्सर जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद हसीन मनाजिर, सयाहों की आमद के बाद केरन, अपर नीलम, शारदा और बकेल की रौनकें बहाल। बर्फबारी से बंद केल, ताओबट, शहरा, तहाल बहाल ना हो सकी। बिजली मवासलात और इंटरनेट का निजाम भी मुतासर। और PCB गवर्निंग बोर्ड आज नए सरबराह का इंतखाब करेगा। निगरा वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मजबूत उम्मीदवार।